नमस्कार दोस्तों, ये हमारा एसएफए का डिपार्टमेंट है और ये पहली जुलाई को क्लास शुरू हुई है। नया बैच शुरू हुआ पहली जुलाई से। ये सभी बच्चे एसएफए को सीखने के लिए आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। इनसे हम फीडबैक लेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं, कैसे पढ़ाई हो रही है, बताते हैं आपको इसके बारे में। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर जय सिंह है और हम जिला गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से ही है। जी सर, और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे टीचर हैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं एसी और फ्रिज के बारे में। मेरा नाम विशाल यादव है, मैं जिला आजमगढ़ से आया हूँ। सर यहाँ पे बढ़िया शिक्षा दी जाती है। आजमगढ़ से आए आप? यस सर। कैसे जाने संस्था के बारे में? सर यूट्यूब के द्वारा। यस, चलिए ठीक, बैठिए। सर मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं त्योरे जिले का रहने वाला हूँ। आपको पता कैसे चला यहाँ के बारे में? सर हमको पता चला है मेरे दोस्त के द्वारा, वो यहाँ पे आया था पहले से, अपना एडमिशन कराया। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं। उनके द्वारा पता चला, उनके द्वारा हम यहाँ पे आए। चलिए बैठिए। सर मेरा राजशानी है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर लोकल। आप कैसे जाने संस्था के बारे में? यूट्यूब के द्वारा जाने। सर हमारा नाम शाहबुद्दीन है, जिला आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आप भी आजमगढ़ से हैं? आप कैसे जाने संस्था के बारे में? यूट्यूब के माध्यम। कैसा चल रहा क्लास वगैरह? अच्छा है, बढ़िया। हमारा नाम इरफान है और हम आजमगढ़ से आए हैं। अभी आजमगढ़ यहाँ तीनों लोग साथ ही में है क्या? अच्छा, कैसा क्लास चल रहा है? बहुत मस्त चल रहा है। हमारे टीचर जो है बहुत अच्छा, मतलब समझा रहे हैं, जो बता रहे समझ में आ जा रहा है। मेरा नाम शशांक राय है, मैं डिस्ट्रिक्ट सिवान से आया हूँ। सिवान से, बिहार से। आप कैसे चल रहा है क्लास वगैरह? क्लास सही चल रहा है, ये भी बताते हैं सर, अच्छे से समझ में आता है। ठीक। मेरा नाम शुभम प्रजापति है, मैं जिला कुशीनगर से हूँ। कुशीनगर से। मेरा नाम शुभम प्रजापति है, जिला कुशीनगर से आया। मेरा नाम ऋतिक रावत है, जिला कुशीनगर से रहने वाले हूँ। साथी में क्या सब लोग? सर मेरा नाम विपिन यादव है, मैं कुशीनगर जिला से आया हूँ। कुशीनगर से भी। जी सर मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं गोरखपुर से ही हूँ। कैसे जाने संस्था के बारे में? यूट्यूब के द्वारा जाना। कैसा चल रहा क्लास वगैरह? क्लास बहुत बढ़िया चल रहा है सर, दूसरा रहा बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, समझाते हैं। बैठे, आप शोर मत करिए। सर मेरा नाम सियाउल्ला है और मैं नेपाल से आया। आप नेपाल से हैं? कैसे जाने संस्था के बारे में? यूट्यूब के माध्यम से। ठीक, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आए हैं नेपाल से सीखने के लिए, तो अच्छे से सीख के जाइएगा ताकि आपका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो। ठीक, बैठिए। मेरा नाम अक्षय राय है, हम महाराजगंज के रहने वाले हैं। महाराजगंज से। मेरा नाम सर यश पाठक है, यश पाठक सजनवास। मेरा नाम अक्षय अली, मैं कुशीनगर से रहने वाला हूँ। मेरा नाम राकेश निशा है, मैं कनियाव खड्डा कुशीनगर से। मेरा नाम संदीप यादव है, खड्डा कुशीनगर से रहने वाला हूँ। दो लोग साथी हैं। मेरा नाम सदाव रजा है, मैं महाराजगंज जिले से। महाराजगंज से। कैसे आप जाने संस्था के बारे में? मेरे दोस्त ने वही सब बताया था। ऑलरेडी आपके दोस्त पढ़ चुके हैं यहाँ पे। कैसा आपको क्या लग रहा है? जो आपके दोस्त बताए थे वैसे पढ़ाई हो रही है कि बस ऐसे कर रहे थे? उससे बढ़िया पढ़ाई हो रही है। अच्छी पढ़ाई हो रही है। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं गोरखपुर के रहने वाला हूँ। गोरखपुर का। आप कैसे जाने संस्था के बारे में? सर कॉलोनी के लोग बच्चे यहाँ पढ़े थे। अच्छा, वो लोग बता गए। मेरा नाम विकास कुमार यादव है, खड्डा कुशीनगर से। मेरा नाम राजनगोड़ है, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। देवरिया। आप कैसे जाने? सर यूट्यूब के माध्यम से। दीपक कुमार से। मेरा नाम इस्माइल अली है, मैं कुशीनगर से हूँ। कुशीनगर प्रॉपर। प्रॉपर। ठीक। मेरा नाम अभिषेक लकड़ा है, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं आप? जी। कैसे जाने यहाँ के बारे में? मुझे जो एसी फ्रिज का जो सीखने का बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैंने गूगल सर्च किया था। तो मैंने वीडियो देखा, तो फिर मैंने। तो कैसा रिस्पांस है सिखाने का? अभी तक मैंने पढ़ाई किया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। जो सर का जो बताने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। सर मेरा नाम बिल्कुल सुभाष शाह और मैं बिहार से। बिहार से। बिहार कहाँ से? गोपालगंज। गोपालगंज से। सर मेरा नाम लकी कुमार है, मैं बिहार के सिवान जिला से हूँ और यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जो सिवान से उनके साथी आप हैं कि आप अलग हैं? अलग है। मैं जामा बाजार का रहने वाला हूँ और मेरा गाँव हैतिनपुर में। सर मेरा नाम सिकंदर कुमार यादव है और मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। सर मेरा नाम संदीप है, मैं जिला महाराजगंज का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मिथिलेश हिसाब, मैं महाराजगंज के रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं महाराजगंज का रहने वाला हूँ। तीनों लोग साथ ही में है क्या? अलग 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 अलग। अच्छा, यहाँ। सर मेरा नाम पवन वर्मा है, मैं महाराजगंज का रहने वाला हूँ। सर मैं सुबोध बनारस से।
बनारस से? कहाँ से बनारस? बनारस सर वो कदौलिया के पास। कदौलिया के पास से? कैसे जाने यहाँ के बारे में? सर हम यूट्यूब पे ही, यूट्यूब के द्वारा ही जाना है। तो डायरेक्ट आए वहाँ से, डायरेक्ट एडमिशन ले लिया कि आपने पहले आए देखे वे क्लास का? हाँ सर, एक दिन आए देखे क्लास वाले, क्लास वाला देखे, उसके बाद आपने एडमिशन लिया। क्या रिस्पॉन्स है इस समय? सर अभी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, क्लास वाला समझ आ रहा है। तुम्हें ऐसे कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, अच्छा समझा रहा हूँ। जी सर, मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ। फतेहपुर का रहने वाला? जी सर। फतेहपुर हमें लगता है काफी दूर है यहाँ से। यहाँ से दूर है सर, कानपुर के पास है। कानपुर के पास है जी। और मैं YouTube के माध्यम से देखकर आया हूँ, और यहाँ की क्लासे ऐसे या फ्रिज की बहुत ही अच्छी चल रही सर। अच्छा, समझाते अच्छा है सर। सर मेरा नाम सूरज सहनी है, जिला सिद्धार्थनगर है। यहाँ सर हमने YouTube के माध्यम से सर्च किया, यहाँ गोरखपुर में सर काफी बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है। एक बार सेवा का जरूर है अवसर दे आने के लिए। देखिए अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि हम जाएंगे सीखेंगे, अपना भी नाम करेंगे, संस्था का भी नाम करेंगे। तो हम बस आप लोग से एक आग्रह करना चाहते हैं, जो भी छात्र इस समय क्लास में बैठे हुए हैं उनको आग्रह करना चाहते हैं कि आप आए हैं तो सीख के जाइएगा। जो भी समय है, अगर मान लीजिए कोर्स बताया गया कि आपको दो महीने में सिखाई जाएगी और भाई जब किसी कारण से आप दो महीने नहीं सीख पाते हैं तो तब तक समय दीजिएगा, आप सीख के जाइए। दो महीने बाद, तीन महीने रहिए, चार महीने रहिए, छह महीने रहिए, लेकिन सीख के जाइए। आने के बाद ये ना कि आप चले भी गए और सीखे नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी। इससे बेहतर है कि समय और भी लगता है, कोई ऐसा बच्चा जो कमजोर हो, जो उस समय में नहीं सीख पा रहा है, वो रुक करके एक दो महीना और रुक जाएगा, सीख के जाएंगे। ठीक है, ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।